अभी मुख्यमंत्री एकदम फेलियर है। 40 मीटर का अंदर उस दिन जब बॉडी पड़ा हुआ था, उस दिन पुलिस कहाँ था? वेस्ट बंगाल को कुछ भी निरापत्ता देने के लिए मुख्यमंत्री टोटली फेलियर है। हम लोग कुछ नहीं चाहते, हम लोग हर कोई स्टूडेंट है। स्टूडेंट कभी भी हथियार नहीं होता था, स्टूडेंट सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकता है। दिक्कत चल रही है पुलिस के, दिक्कत चल रही है प्रशासन के। क्या कोई रेप और कत्ल जैसी भयानक वारदात को अंजाम देकर भी बिल्कुल बेफिक्र और बेशकन रह सकता है? क्या पुलिस जिसकी तलाश कर रही है वो ये जानते हुए भी कि शराब पीकर पुलिस के बैरक में ही चैन की नींद सो सकता है? क्या कोई पुलिस के उसे ढूंढने की बात सुनकर जवाब में इत्मीनान से मैं देखता हूं जैसी बात कह सकता है? दरअसल कोलकाता के आरजीकर रेप केस के आरोपी संजय रॉय का सच कुछ ऐसा ही है। कोलकाता पुलिस ने 9 अगस्त को जब संजय रॉय को गिरफ्तार किया तो वो अस्पताल में तैनात कोलकाता पुलिस के 4th बटालियन के बैरक में सोया हुआ था। संजय रॉय की गिरफ्तारी से पहले और बाद में जिस तरह एक के बाद एक वारदात की कड़ियां जुड़ रही हैं, उसने न सिर्फ वारदात के सच को बल्कि उससे संजय के कनेक्शन को साफ कर दिया है। 8 अगस्त की शाम से 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर का कत्ल करने और फिर अगले दिन खुद के गिरफ्तार होने के पहले तक सीसीटीवी कैमरों से लेकर मोबाइल फोन की लोकेशन, सीडीआर और चश्मदीदों के हवाले से उसकी जो गतिविधि सामने आई है वो चौंकाती है। 9 अगस्त को डॉक्टर के कत्ल की खबर मिलने पर कोलकाता पुलिस मामले की जांच तेज कर चुकी थी। कोलकाता पुलिस ने सबसे पहले अस्पताल के इमरजेंसी बिल्डिंग और सेमिनार हॉल के इर्द गिर्द लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को देखना शुरू किया। एक एक करके सारे फुटेज खंगालने शुरू किए गए। इसी कोशिश में उसे सेमिनार हॉल के आसपास कम से कम 15 लोग दिखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन 15 लोगों में संजय रॉय की पहचान कैसे हो पाई। दरअसल इन्हीं 15 लोगों से पुलिस ने पूछताछ की, क्योंकि इन सारे के सारे लोगों का कत्ल से कोई लेना देना ही नहीं था, इसलिए पुलिस के जवाबों का इन्होंने सही सही कोई जवाब दे भी दिया और कुछ नहीं भी दिया और शक के दायरे से बाहर निकल गए। लेकिन एक शख्स था जो अब भी पुलिस की जद में है। वो था वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस के बैरक में आराम से सोने वाला संजय रॉय, वो भी नशे में धुत होकर। चूंकि अब तक पुलिस ट्रेनी डॉक्टर के कत्ल की टाइमिंग मोटे तौर पर पता कर चुकी थी, उसने 8 और 9 अगस्त की रात को 3 से 4 बजे के बीच के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। इस दौरान फुटेज में संजय रॉय ही सेमिनार रूम के आसपास नजर आया। अब चूंकि संजय रॉय दूसरे सीसीटीवी फुटेज में इसी अस्पताल में भर्ती एक मरीज के पास आता जाता हुआ दिख रहा था, तो पुलिस ने संजय के सीसीटीवी फुटेज का ग्रैब निकालकर उसे अस्पताल में भर्ती मरीज को दिखाया। ये मरीज कोई और नहीं बल्कि एक और सिविक वॉलंटियर सौरभ का भाई था जो उसी अस्पताल में कुछ समय से एडमिट था। इसी भाई को जब संजय रॉय की तस्वीर दिखाई गई तो उसने देखते ही संजय को पहचाना और उसके बारे में पुलिस को जानकारी दी। उधर शाम तक वारदात का शिकार बनी ट्रेनी डॉक्टर का पोस्टमार्टम हो गया था। पोस्टमार्टम से साफ था डॉक्टर की मौत रात के खाने के बाद 4 घंटे बाद हुई। चूंकि रात के खाने का वक्त करीब 12 बजे का था तो यह भी साफ था कि 3 या 4 बजे उसका मर्डर किया गया होगा। उधर सीसीटीवी फुटेज में भी संजय रॉय इसी ड्यूरेशन में घूमता हुआ सेमिनार हॉल की तरफ दिखाई दिया। ऐसे में दूसरे सबूतों के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज भी इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि इस मामले में हो ना हो संजय रॉय ही है। हालांकि संजय अब तक पुलिस की जद में आया नहीं था, वो पुलिस की पकड़ से उस वक्त तक बाहर था। दोपहर को जब सौरभ के भाई ने, यानी जो एडमिट था एक और सिविक वॉलंटियर जो कि संजय रॉय का दोस्त था, उसी का भाई एडमिट था उसी अस्पताल में, उसी को देखने के लिए संजय बार बार आता जाता था। दोपहर का वक्त था जब सौरभ के भाई ने संजय रॉय की पहचान कर ली, लेकिन अब तक सौरभ को पता नहीं था कि पुलिस संजय को खोज रही है। इसी बीच उसने संजय को फोन कर दोपहर के खाने के लिए बुलाया। अभी संजय रास्ते में ही था तब तक सौरभ को उसके भाई ने फोन पर यह जानकारी दी कि पुलिस अस्पताल के सेमिनार रूम में हुए डॉक्टर के रेप और कत्ल के मामले में संजय को ढूंढ रही है।
ये बात सुनकर सौरभ हक्का बक्का रह गया। हालांकि संजय के पहुंचने पर सौरभ ने उसे लंच दिया और साथ ही उसे बताया कि अस्पताल में हुई हत्या के सिलसिले में पुलिस उसको ढूंढ रही है। लेकिन सौरभ यह देखकर हैरान हो गया कि बेशकन संजय ने सिर्फ मैं देखता हूं कहकर बात टाल दी। इसके बाद उसने खाना नहीं खाया, लेकिन बैरक में पहुंचा और फिर शराब पी। इसके बाद फिर वहीं सो गया। कोलकाता पुलिस जब उसको ढूंढती हुई पुलिस के बैरक पहुंची तो नशे में धुत वो वहीं पर सो रहा था। गिरफ्तारी के फौरन बाद ही उसने न सिर्फ अपना जुर्म कबूला बल्कि पुलिस से कहा मुझे फांसी दे दो। लेकिन ये सिर्फ गिरफ्तारी के वक्त की बात नहीं है, गिरफ्तारी के अगले दिन भी संजय रॉय के चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था, बल्कि वो पूछताछ में बहुत आराम से सारी बातें कबूल कर रहा था, पुलिस को पूरी सीक्वेंस बता रहा था। इस बीच पुलिस ने संजय के दोस्त सौरभ से भी पूछताछ की जो वारदात से पहली रात उसके साथ था। सौरभ भी संजय की तरह ही एक सिविक वॉलंटियर है। उसने पूछताछ में पुलिस को ये कहा कि 8 अगस्त को उसने अपने भाई को इलाज के लिए आरजीकर अस्पताल में भर्ती कराया। वो दोपहर को 1:30 बजे अपने भाई को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए अस्पताल के रिसेप्शन पर गया। वहां उसने पूछताछ की और भर्ती हो जाने के बाद रात को 10:30 बजे वो फिर से अस्पताल पहुंचा। वहां संजय भी सौरभ के पास था। इसके बाद सौरभ और संजय दोनों ने मरीज को अस्पताल में छोड़कर बाहर निकल गए और शराब पी। इसके बाद दोनों पहले नॉर्थ कोलकाता में मौजूद रेड लाइट एरिया सोनागाछी गए। कहानी यहीं से शुरू होती है। वहां सौरभ एक अड्डे के अंदर चला गया लेकिन संजय बाहर था। चूंकि संजय को सोनागाछी में अड्डे के अंदर जाने का मौका नहीं मिला, जब सौरभ बाहर आया तो दोनों ने शहर के ही एक दूसरे जिस्म फरोशी के अड्डे चेतला में जाने का फैसला किया। चेतला साउथ कोलकाता में है और सोनागाछी से इसकी जो दूरी है वो 15 किलोमीटर के आसपास है। 8 और 9 अगस्त की रात को दोनों सोनागाछी से निकलकर बाइक से चेतला पहुंचे, लेकिन यहां भी संजय को अंदर जाने का मौका नहीं मिला। ये 8-9 अगस्त की दरमियानी रात की बात है। जहां भी संजय का दोस्त सौरभ जिस्म फरोशी के अड्डे के अंदर गया था, लेकिन संजय बाहर ही खड़ा रहा। तफ्तीश में साफ हुआ कि वहां खड़े खड़े ही उस रात संजय ने अपनी एक गर्लफ्रेंड को फोन किया और उससे वीडियो कॉल पर बात की। गर्लफ्रेंड से उसकी कुछ प्राइवेट तस्वीरें मांगी। संजय रॉय दूसरे जिस्म फरोशी के अड्डे पर पहुंचकर भी किसी से रिश्ता बनाने में नाकाम था। जब पुलिस ने इस सिलसिले में उससे पूछताछ की तो उसने कहा उसके पास पैसे नहीं थे। हालांकि पुलिस को उसके इस जवाब पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके दिमाग में तब तक किसी वारदात को अंजाम देने की खुराफात चल रही थी। इसलिए उसने जिस्म फरोशी के अड्डे में पहुंचकर किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाया। पूछताछ में सौरभ ने पुलिस को बताया कि उसे बाइक चलानी नहीं आती है, इसलिए उस रात शराब पिए होने के बावजूद बाइक संजय ही चलाता रहा। अब दो दो रेड लाइट एरिया में घूमकर दोनों आरजीकर अस्पताल पहुंचे तो संजय 4th बटालियन की ओर जाने की जगह अस्पताल की तरफ चला गया। इस पर सौरभ ने उससे पूछा कि क्या वो 4th बटालियन की तरफ नहीं जाएगा, तो उसने कहा कि वो जाएगा। तभी रात के करीब 2:45 बज रहे थे। सौरभ ने बताया कि आरजीकर अस्पताल की तरफ से भी एक सड़क 4th बटालियन की तरफ जाती है, इसलिए उसे लगा कि शायद यहीं से घूमकर वो 4th बटालियन पहुंच जाएगा। पूछताछ में सौरभ ने पुलिस को कहा कि उसे नहीं पता कि इसके बाद संजय कब बैरक लौटा। अगले दिन सुबह 10 बजे उन्हें अस्पताल में भर्ती अपने भाई के पास जाना था। इसके लिए जब वो संजय को जगाने में बैरक पहुंचा तो गहरी नींद में वो सो रहा था। 2 बार जगाने की कोशिश की बावजूद वो नहीं उठा। सौरभ का कहना था कि इसके बाद वो अकेला ही अस्पताल गया और उसने डॉक्टरों से बातचीत की। 9 अगस्त इसी दिन दोपहर को डॉक्टरों से मुलाकात के बाद सौरभ ने कई बार संजय को फोन किया लेकिन संजय ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद जब तक संजय सौरभ के पास पहुंचा तो वो लंच कर चुका था। सौरभ ने उसे आरजीकर में हुई वारदात के बारे में बताया और उसके बारे में पता करने को कहा। क्योंकि संजय की कई लोगों से जान पहचान थी, इस पर उसने कहा कि वो चेक कर रहा है। सौरभ की माने तो इसके बाद वो टॉयलेट जाने की बात कहकर निकला और फरार हो गया। उसने पुलिस को बताया कि इसके बाद उसने संजय को साथ में अस्पताल चलने के लिए कई बार कहा लेकिन हर बार वो बचता रहा। आखिर में उसने एक दोस्त के साथ शराब पार्टी करने की बात कही और अस्पताल जाने से मना कर दिया। संजय बेशक आरजीकर अस्पताल नहीं जाना चाहता था, लेकिन वारदात के अगले दिन 9 अगस्त के रोज भी वो बेहद रिलैक्स्ड और खुश था। उसे 9 अगस्त की रात 12 बजे ये पता चला कि पुलिस संजय को उस केस में गिरफ्तार करना चाहती है। उसने संजय को कई बार फोन मिलाया सौरभ ने। फिलहाल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए रेप और मर्डर का मुलजिम संजय रॉय जेल में है।
उसको पहले कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था, फिर केस सीबीआई को गया, पुलिस ने उसे उसके हवाले कर दिया। लेकिन संजय के खिलाफ आखिरकार वो कौन से सबूत हैं जिसके चलते पहले पुलिस और अब सीबीआई भी उसे इसी केस का इकलौता मुलजिम मान रही है? तो जवाब है 53 से ज्यादा वो सबूत हैं जो कोलकाता पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच के बाद सीबीआई को सौंपे थे। इन सबूतों में टेक्निकल एविडेंस से लेकर मौका वारदात और संजय के पास से बरामद हुई वो सारी चीजें हैं, जिसमें वो टूटा हुआ ब्लूटूथ भी है जिसने संजय को फंसा दिया। वारदात के बाद पुलिस को संजय रॉय का सीसीटीवी फुटेज तो पहले ही मिल गया था, जिसमें वो अस्पताल के सेमिनार हॉल के चक्कर काट रहा था। इसके बाद मौके से उसका टूटा हुआ ब्लूटूथ नेकबैंड मिला, जिसकी पेयरिंग उसके मोबाइल फोन के साथ हो गई थी। ये भी उसके पकड़े जाने का एक अहम सबूत है। इसके अलावा भी 9 अगस्त की रात 8:30 से 9:45 तक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के एक्सपर्ट ने मौका वारदात के करीब 40 से ज्यादा एग्जिबिट्स यानी नमूने इकट्ठा किए और इनकी बकायदा वीडियोग्राफी हुई। ये सारे के सारे नमूने इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि मुलजिम कोई और नहीं बल्कि संजय है। सबूत इकट्ठा करने की इस प्रक्रिया के दौरान पुलिस ने कई स्वतंत्र गवाहों और डॉक्टरों के बयान को दर्ज किया। और तो और, जब पुलिस ने संजय रॉय को 9 अगस्त को गिरफ्तार किया तो उसके शरीर पर पिछली रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ की गई मारपीट और ज़ाती के निशान मौजूद थे। इस दौरान पुलिस ने संजय रॉय का मेडिकल टेस्ट करवाया, जिसमें उसके हाथ पर और जांग पर खरोच के ताजा निशान पाए गए। कोलकाता पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में संजय रॉय के मोबाइल फोन का सारा डेटा इकट्ठा किया। इसमें वारदात के वक्त उसके मोबाइल फोन की लोकेशन का आरजीकर अस्पताल के इमरजेंसी बिल्डिंग के आसपास होने की बात साबित होती है। इसके अलावा वो जहां से ट्रैवल करके यहां तक पहुंचा, जहां जहां रुका, वो सब मोबाइल फोन में दर्ज है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज तो है ही। पुलिस को उसके मोबाइल फोन से उसकी गर्लफ्रेंड की कुछ प्राइवेट तस्वीरें मिली हैं और अजीबोगरीब पोर्न वीडियोस भी। इन वीडियोस को आम इंसान नहीं देख सकता, ये वीडियो रिश्ते नातों से परे और बेहद हिंसक थे। ट्रेनी डॉक्टर की लाश और आसपास की कुछ चीजों पर उसके फिंगरप्रिंट्स के निशान भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को मिले हैं। इसके अलावा वारदात के दौरान पहने गए उसके कपड़े, इनर गार्मेंट्स, चप्पल में मौजूद ट्रेनी डॉक्टर के खून के निशान, सब कुछ पुलिस के पास हैं। और तो और, संजय रॉय के ब्लड सैंपल भी मौके पर मिले खून के कुछ डब्बों से मैच कर रहे हैं। सीमेन और दूसरे बॉडी फ्लूइड भी संजय के डीएनए से मेल खाते हैं। ये संजय के खिलाफ बहुत अहम सबूत है। इसके अलावा कोलकाता के श्याम बाजार इलाके में मौजूद एक बैंक के सीसीटीवी कैमरे में कैद संजय की कुछ तस्वीरें उसके मूवमेंट की तस्दीक करते हैं। इन्हें भी पुलिस ने सुरक्षित रख लिया था, जिन्हें अब सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। कुछ रोज पहले तक यह सवाल हर किसी की जुबान पर था कि क्या इस वारदात को अकेले संजय ने अंजाम दिया या फिर कोई और भी उसके साथ था। लेकिन तमाम टेक्निकल एविडेंसेस और दूसरे सबूतों ने इस बात की पुष्टि कर दी कि 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात संजय रॉय ने अकेले ही ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। और अब सीबीआई इन्हीं सबूतों के बिना पर संजय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।